आज इस वीडियो में मैं आपको लूसी मूवी का पूरा प्लॉट समझाऊंगा। ये एग्जैक्टली ये मूवी है क्या, ये पूरा साइंस फ्रिक्शन है। ये पूरी मूवी एक ब्रेन के ऊपर है। इस मूवी में बताया गया है कि कितने परसेंट ब्रेन यूज़ होने पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम शब्द में आपको ये मूवी समझा पाऊँ, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। फिल्म शुरू होती है और इसमें जो हीरोइन है उसका नाम होता है लूसी। उसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान है जो ड्रग्स का काम करता है, जो सारे उल्टे सीधे काम करता है। उसके पास एक बैग होता है। वो लूसी को बोलता है कि इस बैग को तुम लो, और अंदर एक होटल दिखाता है और कहता है ये बैग होटल में जाकर किसी को दे देना और इसके लिए हमें $1,000 मिलेंगे। लूसी बोलती है कि इतने छोटे काम करने के लिए $1,000, और उस काम को करने से मना कर देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी बैग में लगी होती है जो खुल नहीं सकती। अब उसे बोलता है अब तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। अब लूसी किसी तरह अंदर जाती है, तो वो रिसेप्शन में बोलती है जिसे उससे मिलना होता है। तो वो लोग बाहर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड लूसी को बाहर से देख रहा होता है और तभी उसको गोली मार देती है और वो तभी मर जाता है। फिर लूसी को अंदर ले जाते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद लूसी को चेयर पर बिठा देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस बैग को खोलो, और ये बोलकर सब छिप जाते हैं। तो लूसी बोलते हैं कि इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ है। वो बोलते नहीं, वो कहती है कि सब छुप क्यों गए, दरअसल जिसने तुम्हें ये बैग दिया है मैं उस पर विश्वास नहीं है। अब उसे वो एक कोड बताते हैं क्योंकि वो को बैग एक कोड से खुलने लगा। और वो जैसे ही उस कोड को टाइप करती है तो उसमें 4 पैकेट्स होते हैं। अब वो पूछते हैं कि इसमें इसके अंदर क्या है, तो वो बोलती है इसमें 4 पैकेट्स हैं और इसमें कुछ ब्लू ब्लू सा भरा हुआ है। तब सब सामने आ जाते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए काम करोगी। तब लूसी मना कर देती है, और तभी उनमें से एक आदमी लूसी को पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तब उसको किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। उसके पेट पर पट्टियां लगी होती हैं। उसको लगता है किसी ने उसकी किडनी या कोई पार्ट तो नहीं निकाल लिया बॉडी का। तभी उसे एक आदमी बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, हमने जो 4 ड्रग्स के पैकेट थे उनमें से एक तुम्हारे पेट में डाल दिया है, और अब हम जो तुम्हें जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ पर तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लिया जाएगा, उसके बाद तुम आज़ाद हो। अब लूसी काम करना तो नहीं चाहती, पर अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये सब बहुत ही खूंखार और बहुत ही बड़े ड्रग माफिया हैं, और ये मानने से पहले सोचते नहीं हैं। अब वहाँ पर 3 आदमी को लाया जाता है और उनके पेट में भी एक एक ड्रग का पैकेट डाल देते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि हम तुम्हें जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना पड़ेगा, और वो तुम्हारे पेट से ही ड्रग्स का पैकेट निकाल लेंगे, और उसके बाद तुम आज़ाद हो। अगर तुम में से किसी ने बेईमानी या चीटिंग करने की कोशिश की तो तुम सबकी फैमिली का एड्रेस हमारे पास है, और हम सबको मार देंगे, और उन चारों के मुंह पर कपड़ा डालकर उन सबको अलग अलग ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा निकालते हैं तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं, उसको जंजीर से बांध देते हैं, और उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जो लूसी मना कर देती है, और इस बात से वो आदमी बहुत चिढ़ जाता है और लूसी को मारने लगता है। और मारते मारते लूसी के पेट में जहाँ ड्रग्स के पैकेट होते हैं वहाँ पर वो 4-5 लातें मार देता है, और इसके बाद लूसी के पेट में वो ड्रग्स का पैकेट फट जाता है, और ये ड्रग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आज से पहले इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग्स नहीं बना। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी में एक साइंटिस्ट दिखते हैं जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और वो एक जगह पर लेक्चर दे रहे होते हैं, और वहाँ पर सबको ये बताते हैं कि इंसान ने अपने माइंड का ब्रेन का मात्र 10% ही यूज़ किया है, और इस 10% में उसने पूरी दुनिया बदल दी। चांद तक चला गया, रेल बना दी, हवाई जहाज बना दिया, मोबाइल फ़ोन बना दिया, क्या क्या नहीं कर दिया मात्र 10% अपने ब्रेन का यूज़ करने के बाद। इसके बाद वो बताता है कि एक ऐसा प्राणी है जो अपने माइंड का 20% यूज़ करता है, और वो है डॉल्फिन। बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, और वो 20% माइंड यूज़ करके टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बातें करती हैं। इसके बाद वो बोलता है कि अगर इंसान को अपने माइंड का 20% यूज़ करना लग जाए तो उसकी अपनी पूरी बॉडी के बारे में सब पता चल जाएगा, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पैकेट फट गया है उसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो गया है, और उसके माइंड ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है, तभी वही इंसान आता है जिसने उसके पेट पर लात मारी थी। वो दोबारा से उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है। अब लूसी बिल्कुल शांत बैठी होती है क्योंकि उसका माइंड हाइपर एक्टिव हो गया है। वो कुछ भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहती जिससे और उसे नुकसान हो। अब वो आदमी उसके पास आता है तो वो उसको ऐसे इंडिकेशन देती है जैसे वो तैयार हो। जैसे ही वो उसके पास आता है उसको वो एक ज़ोर से पंच मारती है,
उसकी बेल्ट खींचती है और उसको चेयर से टेबल पे चाबी और बंदूक रखी होती है, बेल्ट से चेयर को अपने पास खींचती हैं और उसको गोली मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स का पैकेट होता है अभी वो पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ था, अभी वो पैकेट के अंदर बहुत सारा ही, और उसको एहसास है कि इस चीज़ का, क्योंकि उसका माइंड 20% काम करना शुरू हो गया है। और वो चाहती है कि इस ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल ले। वहाँ पर उस डॉक्टर का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो जाकर स्क्रीन पर देखते हैं जो आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तब स्क्रीन पर सब चलता रहता है। वो स्क्रीन देखती है, बंदूक निकालती है, उस आदमी को मार देती है। सारे डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया। वो बोलते हैं कि तुम इंसान को वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि इसका ट्यूमर इसकी स्पाइनल कॉर्ड तक फैल चुका है। उसके बाद उसका नीचा गिराकर खुद ऊपर लेट जाती है और बोलती है कि मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट फट गया है और ड्रग बाहर निकाल कर मेरे पेट में जा रहा है और तुम इसे निकाल दो। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। एनेस्थीसिया से इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी बोलती है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ऑपरेशन करो, और बंदूक उसकी तरफ तान देती है और वो गन पॉइंट पर ये सब कुछ करवा रही होती है। डॉक्टर बोलता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ। ऑपरेशन के दौरान अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जिससे उसकी माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये बातें याद कैसे हैं, क्योंकि ये बातें तब की होती हैं जब लूसी 1 साल से भी छोटी थी, यानी कि उसकी कम उम्र 1 साल से भी कम थी। लूसी बोलती है कि मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। उसको सब याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इसके बाद लूसी फ़ोन रख देती है। अब तक लूसी के पेट से उन्होंने वो पैकेट निकाल लिया है। वो डॉक्टर से पूछती है कि इस पैकेट में कितना बचा है। वो बोलते हैं ये 1/2 किलो बचा है। वो कहती हैं कि मेरे पेट में जितना रिलीज हो गया है, निकल गया है, उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर बोलता है कि मुझे इसके लिए पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। वो बोलती है CPH4। ये सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। अब लूसी उससे पूछती है कि CPH4 होता क्या है। डॉक्टर बोलता है कि प्रेग्नेंट लड़की होती है वो अपने 6वें वीक में CPH4 अपनी बॉडी से CPH4 प्रोड्यूस करती है और ये बच्चे के लिए एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर कहता है मैंने तो सुना था कि कोई इसके साइंथेटिक वर्जन बनाने वाला है लेकिन उन्होंने बना लिया, मुझे यकीन नहीं होता। अगर ये CPH4 है, ये तुम्हारे पेट में निकल गया है और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी जिंदा हो। लूसी बोलती है ज़्यादा देर तक नहीं। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि चारों तरफ जो इन्वायरमेंट वातावरण होता है, नेचर, वो सबको फील कर पा रही थी। हेडो के अंदर क्या चल रहा होता है उसको भी वह देख रहा होता है। अब वो यहाँ डायरेक्ट सीधे उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाला था और वो बोलती है कि मुझे बाकी के 3 पैकेट बताओ, तुमने कहाँ कहाँ भेजे हैं। ये वो कुछ नहीं बताता। तब लूसी उसके दिमाग पर हाथ रखती है और उसके दिमाग से अपने आप को कनेक्ट करके ये पता लगा लेती है कि कौन सा पैकेट कहाँ कहाँ जा रहा है। एक पैकेट जा रहा है रोम और एक बर्लिन और एक पेरिस। इसके बाद वहाँ से लूसी निकल जाती है और डायरेक्ट अपने घर पर आती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। इसके बाद इंटरनेट पर वो उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन के ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहा होता है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसते हुए कहता है मेरी सारी रिसर्च तुम्हें पता है मैंने कितने पन्ने लिखे हैं। वो कहती है 6734 पन्ने। वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि मैंने बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स एब्जॉर्ब कर लिया है, मेरा माइंड सुपर एक्टिव हो गया है, मैं अपने माइंड का 28% यूज़ कर पा रही हूँ, मैं बहुत जल्दी मर भी जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, लेकिन मैं अपने माइंड को 100% यूज़ कर पाऊँगी। कहती है कि मैं अभी टेलीफोन, TV और दूसरों की बॉडी को, अपनी बॉडी को सब कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है मुझे दर्द महसूस नहीं होता, डर नहीं लगता, कोई इच्छा नहीं होती, सब चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती है वो मेरे अंदर नहीं है। मुझे क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस का इतना सारा ज्ञान जो मेरे अंदर अर्जित हो रहा है, वो कहती है कि मैं इन सब का क्या करूँ। प्रोफेसर कहता है पैसीटोन, यानी कि तुम्हारे अंदर जो नॉलेज है और तुमने अर्जित किया है ये आने वाली जनरेशन को दे दो। और एक सेल का एक यह नेचर होता है, उसके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो अगले सेल को दे देता है और इसी तरह ये दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बोलती है आने वाले 12 घंटों में मैं आपके पास
आ जाऊंगी, आपके दरवाजे पर खड़ी होंगी। अब वो जो बाकी के तीन ड्रग्स के पैकेट होते हैं, लूसी उन्हें लेने के लिए जाती है। इस दौरान लूसी के माइंड की और पावर दिखाई जाती है, कैसे वो कंट्रोल करती है, कैसे वो लोगों को हवा में उड़ा देती है। बहुत ही अच्छे अच्छे सीन हैं ये, आप मूवी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और एक पुलिस वाला भी होता है जो उसके साथ देता है, वो उनसे वो ड्रग्स के पैकेट हासिल कर लेती है और प्रोफेसर के पास जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर और उसके साथी लूसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उन सबको मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हैं जिसे सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। इतने में वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनको वो ड्रग्स पैकेट चाहिए होते हैं, यानी कि जिनके वो ड्रग्स के पैकेट होते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि इन्हें मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं और वो बहुत सारे लोग होते हैं। लूसी बोलती है कि अब जाने का वक्त आ गया है, बोलते हैं कि बाकी के तीन पैकेट भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें यकीन है ये करना सही होगा, वो बोलती है हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाऊँगी। इसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें वो सब ज्ञान स्टोर करके मैं आपको सौंप दूंगी, ताकि ये मानवता के काम आए। और वो तीनों पैकेट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करने लग जाता है और वो वहाँ जितनी भी मशीन होती हैं उन सबको मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बनाती है। और अब लूसी का माइंड 99% पर पहुँच जाता है। और इतने में दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है, टाइम उसके कंट्रोल में होता है, वो पास्ट में जाती है। सबसे पहले वो आदिवासी युग में, उसके बाद डायनासोर युग में, और उसके बाद वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान से भी मिलती है, और अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है वो कैसे बना था। लूसी वापस आ जाती है और तभी वो गुंडा जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स डाला हुआ होता है पीछे से उसे शूट करने के लिए आता है, और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। इसके बाद जो लूसी ने कंप्यूटर बनाया हुआ होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी ने सारी नॉलेज सेव रखी होती है। पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ है, तो तुम उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह, और फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये ब्रेन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन मूवी है, हम आप सबको रिकमेंड करेंगे कि आप इसे सब देखें।